सबसे बड़ा घंटा सर बजा लेता हूँ, उसके बाद इसके अंदर जाऊँ। पीछे धुआं देखिए, लुक एट द धुआं। ओके, धूल है ये सब, कोई धुआं नहीं, सब धूल है, गंदगी है ये सब। लग रहा है रोते रोते जा रहे हैं, रो रहे हैं सब, गाड़ी रो रो कर जा रहे हैं। बाय गॉड, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। दोस्तों, अगर इस दुनिया का सबसे खराब रास्ते का अगर कोई अवार्ड है, कोई प्राइज है, तो इस रास्ते को देना चाहिए। लुक एट द रोड, यहाँ पर लग रहा है हम लोग समुंदर में नाव पे चढ़कर हम लोग जा रहे हैं ऐसे। बाप रे बाप, ऐसे उछल कूद हो रहा है और रास्ता ही एग्जैक्टली नहीं है। वेलकम बैक इन व्लॉग गाइस। एक्चुअली हम लोगों का अब तो टोटल पूजा सब कुछ हो गया था तारापीठ में, बट बीरभूम सिर्फ तारापीठ के लिए ही फेमस नहीं है। बीरभूम में और भी सती पीठ है जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए, तो हम लोग इसी मोटिव में आए। काली माता का सभी जो बड़े बड़े मंदिर है, टेम्पल है, सब पे एक्सप्लोर करना है। उसके लिए हम लोग जा रहे हैं तारापीठ से दूसरे जगह, जगह का नाम है शालथिया। ओके, शालथिया जगह का नाम है शालथिया, और मंदिर का नाम क्या है? नंदी किशोरी मंदिर। ये भी काली माता का एक सती पीठ है। तो एग्जैक्टली जो लोकेशन मैं बोल देता हूँ, तारापीठ से लगभग 22 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस है। पर हम लोग एक जिस रास्ते से जा रहे हैं, गूगल मैप, अकॉर्डिंग टू द गूगल मैप जो रास्ता सजेस्ट किया था भाई, लुक एट द रोड, रोड का कंडीशन देखो, साइड का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत। देखो यहाँ पर पूरा सफ़ेद सफ़ेद फ्लावर देख लो। देखो इसको शुभ को देख कर आप ये मत सोच लें इसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, एक्चुअली दिल का एक्सीडेंट हुआ है, माइंड का एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि इतना खतरनाक रोड पे लगातार आधा घंटा एक घंटे से चलाते हुए, और किसी का बॉडी में हम लोग का कोई भी पार्ट्स ठीक मानो ठीक नहीं, पुर्जा ठीक नहीं है, पुर्जा सब ढीला हो गया, सब कुछ ना कमर से नीचे तक सब पुर्जा ढीला हो गया, सब पुर्जा ढीला हो चुका कमर है। तो 5 मिनट का ब्रेक, आप जस्ट देखिए, लुक एट द सीन, कमर ये सब जो ट्रक आ रहा है पीछे, धुआं देखिए, लुक एट द धुआं। ओके, धूल है ये सब, कोई धुआं नहीं, सब धूल है, गंदगी है ये सब। लग रहा है रोते रोते जा रहे हैं, रो रहे हैं सब, गाड़ी रो रो कर जा रहे हैं। बाय गॉड, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। इज सिंपली अनटॉलरेबल। एडवेंचर कुछ ज़्यादा ही हो गया आज। और खाली पेट। ओके, और खाना भी नहीं, क्योंकि हम लोग उपवास है। तीन कल हम लोग ने खाए थे, आज से कुछ भी नहीं खाए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मन्नत मांगे थे माँ के पास जाएंगे, खाली उपवास रख के जाएंगे, फास्टिंग रख के जाएंगे, बट शरीर जवाब दे रहे हैं अभी। फिर 5 मिनट रेस्ट लेंगे, उसके बाद ऐसे निकलेंगे। ओके ओके, हम लोग का नंदी किशोरी टेम्पल। लोकेशन की शालथिया, नंदी किशोरी टेम्पल शालथिया में अभी हम लोग जा रहे हैं। 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद मंदिर में पहुंचेंगे, देखते आगे कैसे क्या है। ऑलरेडी शाम हो चुका है, सूरज भी डूब चुका है, और हम लोग पूछते नंदी केसरी मंदिर पे हम लोग ऑलरेडी बहुत ही करीब हम लोग आ चुके हैं शायद। दादा, नंदी केसरी मंदिर है कोदा दादा, नंदी केसरी मंदिर तक कौन दिखे इस साइड? ओके, चलो
दोस्तों ऑलरेडी सब पूछना पड़ रहा है, पूछ पूछ के हम लोग जा रहे हैं। लगभग 2-4-5 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा लेट हुआ रोड कंडीशन के लिए। ठीक है चलो, हम लोग पहुँच गए हैं चलिए मंदिर में, पूरा एकदम कैंपस में पहुँच कर आपसे बात कर लेते हैं। दोस्तों ऑलरेडी पहुंच चुका हूं इन आवर डेस्टिनेशन, ये है नंदी। थोड़ा सा हेलमेट उतार के आपसे बात करता हूं। ये है दोस्तों नंदी केसरी माता का मंदिर। अब हम लोग अंदर जाना है, बट यहां पर शायद चप्पल बाहर खोलकर जाना है, तो चप्पल कहां रखना है, बैग कहां रखना है, पूरा देखकर उसके बाद आपको अंदर ही लेके जाने की कोशिश करेंगे। देखते आगे का सीन, अंदर का सीन कैसा है। तो ये है हर मंदिर का सबसे बड़ा घंटा, थोड़ा सा बजा लेता हूँ, उसके बाद इसके अंदर जाऊँ। बंगाली के दिमाग में जो पहला चीज आता है, दैट इज द दुर्गा पूजा। मंदिर बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खूबसूरत है, बट आपको पता, समझ मुझको नहीं आ रहा है आपको कितना क्लियर आ रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइट है, बिकॉज यहाँ पर शाम हो चुका है तो लाइट का थोड़ा सा इशू है। तो ये नंद केसरी माता का मंदिर इन बीरभूम। सो ये भी एक पीठ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर भी दिखा दो, यहाँ पर लाइट के अभाव में आपको तो सब कुछ दिखाई नहीं देगा। चारों तरफ यहाँ पर एज यू कैन सी दैट इज काली माता की डिफरेंट रूप का अगर आप देख सकते हो, मूर्ति लगा हुआ है। ये टोटल मंदिर कैंपस आपको घुमाकर सब जगह पर नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि एकदम लाइट में है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा मंदिर का जो कैंपस है, इस साइड में चारों तरफ देखो, ये मंदिर का जगह, ये सभी, ये देखो ये बलि देने का। यहाँ पर एक चीज़ मुझको दिख रहा है, इस सतीपीठ में हर जगह पर बलि देने का रिवाज है। ये देखो, ये बलि देने के लिए ये जगह है, यहाँ पर भेड़ बकरियों को बलि चढ़ा जाता है। सो दीज आर थिंग्स, देखते हैं और भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर पता चलता है आपसे आज भी शेयर करता हूँ। दोस्तों ऑलरेडी मंदिर को एक्सप्लोर करने के बाद बहुत भूख लगी थी, तो यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा चाय कॉफ़ी, एक कूल पैकेट बिस्किट खाने के बाद, थोड़ा सा चार्जअप होने के बाद, और थम्सअप भी खाया, शुभ ने खरीदा था। चार्जअप होने के बाद हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं दूसरा टेंपल पे, मंदिर पे। लाभपुर में एक दूसरा टेंपल है, यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर, एक घंटे का जर्नी होगा शायद, बट डोंट नो कितने तक मैं शूट कर पाऊँगा, बिकॉज अब शरीर जवाब दे रहा है। एक्चुअली कांट टेक इट मोर, 3:30 बजे से शूट कर रहा हूँ शूट कर रहा हूँ प्लस राइड कर रहा हूँ, हैवन टेकन एनी रेस्ट। ये है मंदिर, जो मंदिर अभी हम लोग देख के निकला है, ये सामने का सीन, और यहाँ से आप अंदर का सीन आपको लेकर दिखाया मैंने, नंदी केसरी माता का मंदिर। तो ये था पूरा सीन दोस्तों, होप सो ये व्लॉग को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसमें स्प्लिट में मैं व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि एक कंटिन्यूटी पूरा जर्नी को अगर एक वीडियो में दिखाऊँगा तो आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी दिखाते बोर हो जाऊँगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके एपिसोड करके मैं अपलोड करूँगा। अपूर पहुँचने के बाद अगर
If I'm in energy, तो I will shoot. Otherwise, I will not shoot. I will close it. So guys, चलिए अभी निकलने का time है. सीधा जाना है. अब यहाँ से लापुर. उसके बाद अगर वहाँ पर ही हम लोग रात को ठहर सकते हैं, नहीं ठहर सकते, कोई पता नहीं. एकदम unplanned travel हो रहा है. It is something different. Because हम लोग जो travel करते हैं, कुछ plan करके जाते हैं, but कुछ ऐसे भी ट्रैवलिंग होता है. इसमें आप ट्रैवल का आप कोई प्लान नहीं, विदाउट प्लान करते हो. ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास पर्सनल बाइक है. राणा का बाइक का कंडीशन बहुत ही बुरा है. राणा का भी कंडीशन बुरा है, उसका बाइक का कंडीशन उससे भी बुरा है. ओके, मेरा भी बाइक का सेम हाल है. बट इट इज़ फाइन, इट इज़ अनप्लान ट्रिप, इट इज़ गोइंग ऑन. तो ब्लॉग को ख़त्म करते हैं. अभी लापुर जाकर फिर से बात करूँगा इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग. प्लीज ब्लॉग को अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना. और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और रिलेटेड वीडियो के लिए थोड़ा सब्सक्राइब कर देना. तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड. मेरा बाइक रेडी हो रहा है. टाटा बाय बाय, सी यू.